सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, मैंने नया फ़ोन लिया है, वीवो T1 Pro 5G। और इसको लेने का मेरा मेन पर्पज़ है वो है ब्लॉगिंग। सो फाइनली मैं सोच रहा था कि अपने पुराने फ़ोन को मैं अपग्रेड करूँगा, और मैंने अपग्रेड किया है वीवो T1 5G के थ्रू। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके जितने भी फीचर्स हैं उसको सारे फीचर्स को आपको बतलाते हैं। और इसका मैं कुछ वीडियो सैंपल भी आपको दूंगा, कुछ ब्लॉगिंग करके इस फ़ोन को मैं दिखलाऊंगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा कैसा है, सारा इसका डिटेल मैं दे रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए फ़ोन को अनरैप करते हैं। ये रहा हमारा फ़ोन, आप ये देख सकते हैं, मस्त। इसका कलर बहुत ही बढ़िया है, ये रेनबो कलर में है 5G। तो चलिए इसको रिस्टार्ट करते हैं, फ़ोन को ऑन करते हैं, पावर बटन ये रहा। वीवो 5G पावर्ड बाई एंड्रॉयड, और ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया, आप देख सकते हो। ये रहा साइड से पावर बटन, यहाँ पे स्पीकर वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो, दोनों इसी साइड दिए हुए हैं। और नीचे ये रहा आपका स्पीकर है, ये आपका 3.5 mm जैक, और ये पोर्ट टाइप सी का चार्जर पिन। और इसका मेन, तो ये सभी फ़ोन से अलग है, इसका जो सिम टूल किट है ये ऊपर है, बिल्कुल आप देख सकते हो। सभी फ़ोन का साइड में लेफ्ट या राइट साइड में रहता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल इसको ऊपर दिया है। और इसका जो लेफ्ट साइड है ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, इसको पकड़ने में काफ़ी बढ़िया फील होता है। ये ऑन करते हैं फ़ोन को, ठीक है, ऑन करने के बाद इसका कुछ फीचर ऐसे देखते हैं, काफ़ी स्मूथ है। जाते हैं थोड़ा इसके बारे में, फ़ोन की डिटेल्स के बारे में, सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद जाते हैं अबाउट फ़ोन में। ये है फन टच ओएस है, डिवाइस नेम वीवो T1 5G, प्रोसेसर है 2.2 GHz, स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, रैम है 4GB+1GB, एंड्रॉयड वर्जन 12, फ़ोन स्टोरेज है 128 GB। चलिए कुछ फ़ोन के फीचर्स देखते हैं, इसका कैमरा कैसा है, करते कैमरे को ऑन। और इसमें आपको मिलेगा पोर्ट्रेट, यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट्रेट है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो, वीडियो को देखते हैं, वीडियो में क्या क्या फ़िल्टर है, यहाँ पे आप यहाँ फ़िल्टर देख सकते हो, बहुत सारे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनल रखते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ मिलेगा, सेटिंग रिजोल्यूशन कितना है, शटर साउंड, लोकेशन, फिफ्टी मेगापिक्सल का इसका कैमरा है। उसके बाद लाइव फोटो आप ले सकते हो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक है फ़ोन का, आप देख सकते हो। तो ये रहा अपना नया फ़ोन, और जो भी ब्लॉगिंग आएगी इसी फ़ोन से आएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका एक फ़ोन कवर दिया हुआ है, इसको फ़ोन कवर को लगाते हैं पीछे। फ़ोन कवर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इस फ़ोन से मैं कुछ वीडियो सैंपल इसमें लेकर इसमें अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल इट्स वेरी नाइस फ़ोन, आप भी इसको ले सकते हो। मैंने इसे परचेज़ किया है, ऑफलाइन परचेज़ किया है, और इसको परचेज करने में मेरे टोटल अमाउंट लगे हैं 15,990 रुपये। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का जो रेट है वो सेम ही है, बट मुझे ऑफलाइन में कुछ जो दुकान से मैंने ख़रीदा है उससे मैंने ऐसे ही फ्री में एक कम दाम का ऐसे ही
उसने मुझे फ्री में ईयरफोन दे दिया था, आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें ईयरफोन आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ती है। तो मुझे फ्री में मिल गए कुछ ईयरफोन, 100 रुपये के होंगे इसके आसपास का रेट होगा, ये मुझे फ्री में मिल गए। और उसके बाद उसने मुझे इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर दे दिया फ्री में, इसके भी 60 रुपये या 100 रुपये के आसपास के रेट होंगे, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, जान पहचान वाले दुकानदार जिससे मैंने परचेज़ कर लिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं इसके साथ कुछ जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का सैंपल अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हो कि इस फ़ोन का वीवो 20 5G का क्वालिटी कैसा है। अगर आप भी परचेज करना चाहो तो आप भी ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जहाँ अगर आप मेरे चैनल पर चाहो तो जाकर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन, जय हिंद। Oh my God!